भारत और चीन के बीच एलएसी पर कल देर रात काफी ज्यादा तनाव हो गया है। इस हिंसक झड़प के दौरान भारत ने 3 लोग गंवाए हैं। भारत के 3 सैनिक शहीद हुए, जिनमें एक कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी की शहादत हुई है। इसके अलावा 2 सैनिक जवान कल देर रात शहीद हो गए हैं। गलवान घाटी इलाके में जहां लगातार बातचीत चल रही थी, बातचीत के जरिए सैनिक स्तर की दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश हो रही थी, डीएस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसी दरमियान कल देर रात यहां पर हिंसक झड़प हुई है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन हिंसक झड़प हुई है दोनों देशों के बीच में। और इस हिंसक झड़प के दौरान भारत ने 3 लोग गंवाए हैं। जवाब में चीन की तरफ ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सैनिक शहीद हुए, मारे गए हैं 5 सैनिक और 11 जवान उनके जख्मी हो गए हैं। इस पूरी तनावजन्य परिस्थिति के बाद आज सुबह एक बार फिर से चीन की तरफ से भारत से बातचीत की अपील की गई, जिसके बाद भारत और चीन दोनों के बीच इस समय सैनिक स्तर की वार्ता फिर से चल रही है। कल रात के पूरे घटनाक्रम के बाद, पूरे तनाव के बाद एक बार फिर बातचीत चल रही है, लेकिन इस समय तनाव बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत ने कमांडिंग अफसर स्तर के एक अधिकारी को खोया है और साथ ही 2 सैनिक जवान भी भारत ने इस समय खो दिए हैं एलएसी पर, इस पूरे तनाव के बीच जो पिछले करीब 1.5 महीने से वहां पर चला रहा था और जिसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश दोनों देशों के बीच हो रही थी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सैनिक चीन के मारे गए हैं और 11 सैनिक चीन के घायल हो गए हैं। ये खबर इस समय की बड़ी खबर है। अभी तक थोड़ी देर पहले तक जो डेटा था वो भारतीय सेना की तरफ से जानकारी पर आधारित था। भारतीय सेना ने जानकारी दी थी कि 3 लोग भारत के शहीद हुए, जिसमें कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी हैं और 2 सैनिक जवान हैं, कुछ लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना ने कहा था चीन की तरफ भी कैजुअल्टीज हैं, जिसके बारे में उन्हें पुख्ता जानकारी नहीं है। अब ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं भारत की कार्रवाई में जवाब में, और साथ ही 11 सैनिक चीन के घायल हुए हैं। यानी कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब चीन की इस हरकत का दिया है। भारत हिंसा में यकीन नहीं रखता, ये बात पूरी दुनिया जानती है। भारत की तरफ से कभी भी पहली कार्रवाई नहीं होती, इस बात को पूरी दुनिया जानती है। पिछले 50 साल में एलएसी पर भारत और चीन के बीच में तमाम तरह के तनाव के बावजूद कभी ऐसी कोई बड़ी हिंसक वारदात नहीं हुई है जैसी कल देर रात हुई। आखिर इसकी वजह क्या थी, इसकी शुरुआत किसने की, ऐसी परिस्थिति की नौबत क्यों आई कि चीन के सैनिक लाठियों पर, बल्लम पर कटीली तारें बांधकर, कील लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए आए, इसकी जवाबदेही चीन की बनती है और चीन को इस पर जवाब देना पड़ेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस समय एक मीटिंग कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, इस हालात का जायजा ले चुके हैं।